हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू की टिक्की। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आलू की टिक्की बनाने की सामग्री है 5 उबला हुआ आलू, 1 कप ब्रेड क्रम, 3 बड़ा चम्मच तेल, 1 कप हरा धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। बड़े बाउल में हम आलू को मैश करेंगे। आलू को हमने मैश कर लिया है। हरा धनिया पत्ता डालेंगे, ब्रेड क्रम डालेंगे। 3 ब्रेड को हमने मिक्सी के बर्तन में डालकर पीस लिया है। रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च, सारे सामग्री को हम अच्छे से मिलाएंगे। सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। टिक्की बनाएंगे। टिक्की बनाने के लिए हम हाथों को तेल से ग्रीस करेंगे और डो में से हम थोड़ा सा डो लेंगे। इस तरह से हाथों पर हमने तेल लगा लिया है। इस तरह से हम टिक्की बनाएंगे, हथेली पर रखेंगे और इस तरह से दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे टिक्की बनाकर तैयार करेंगे। टिक्की को फ्राई करने के लिए हमने पैन को गर्म कर लिया है। तेल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। टिक्की को हम पैन में रख देंगे। टिक्की को हम अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। टिक्की हमारी एक साइड से सेक गई है, पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। टिक्की हमारी दोनों साइड से अच्छे से सेक गई है, आप देख सकते हैं। अब हम टिक्की को प्लेट में निकाल लेंगे। बचे हुए तेल में हम बचे हुए टिक्की को भी सेक लेंगे। गर्मा गर्म आलू की टिक्की बनकर तैयार है। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट में बताइए कि मेरी रेसिपी कैसी बनी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।